तरह से इफेक्ट से आपको समझ जाएगा ब्लू कलर का रिदम ये मेरा सबसे फेवरेट इफेक्ट है तो इस अगला फीचर जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है इज द साइलेंट एंड टाइमर बेसिकली जब आप वॉल्यूम बटन को दबाओगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर अगर आप थ्री डॉट्स पर टैप करोगे तो एक्सटेंडेड मेन्यू खुल जाता है यहाँ पर स्लाइडर और डीएनडी के लिए टाइमर दिया गया है तो जब भी आप यहाँ पर स्लाइड करोगे तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो जितने टाइम के लिए वो मोड ऑन रहेगा पर ये टाइमर खत्म होते ही वापस से साइलेंट से हट जाएगा सेम अगर आप डीएनडी के साथ कर सकते हो यहाँ पर मैं थर्टी मिनट्स के लिए सेट कर दूंगा तो थर्टी मिनट्स के लिए मेरा फोन डीएनडी में चले जाएगा एंड आफ्टर थर्टी मिनट्स वापस से डीएनडी से हट जाएगा ये फीचर अगर पहले होता तो मम्मी से काफी सारी डांट बच जाती ज well, अगले फीचर में आप नोटिफिकेशन सेंटर का लुकआउट चेंज कर सकते हो बेसिकली एमआई ट्वेल्व में अपडेट आया था जहां पर ये नोटिफिकेशन सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से आईओ एस इंपायर्ड बन गया था बट अगर आप सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेन्टर में चले जाते हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन में चेंज कर सकते हो ओल्ड वर्जन में आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा एंड न्यू वर्जन में आपको कुछ आईओ इंस्पायर्ड ऐसा कंट्रोल सेंटर मिल जाता है वेल मेरा प्रेफरेंस तो डेफिनेटली न्यू कंट्रोल सेंटर है बट कभी कभी अगर आपको इरिटेट होने लगे तो आप ओल्ड में भी शिफ्ट कर सकते हो वेल well, अगला फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर 120 ट्वेंटी का चार्जर आपको मिल जाता है बट वो वर्क करने के लिए जाना है यहाँ पर राइट right स्वाइप कर लो एंड बूस्ट चार्जिंग स्पीड पे चले जाना एंड टर्न ऑन बूस्ट चार्जिंग टर्न ऑन करने के बाद <laughs> चार्जिंग स्पीड से होने लगेगी एंड ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स में आपका फोन जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा अगला फीचर एक बोनस फीचर है जहां पर आप अपने Ram कर सकते हो। आजकल सारी आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन देते हैं। इसमें बेसिकली आपके फोन के इंटरनल मेमरी का कुछ पार्ट एज ए रैम वर्क करता है तो अगर आपको रैम इंक्रीज करनी है तो सेटिंग्स में आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सटेंशन वाला ऑप्शन मिल जाता है इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हो तो आपको तीन जीबी एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी एंड सेटिंग ऑन करने के बाद आपको एक बार रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा फिर बस एक्स्ट्रा रैम एंजॉय करो एंड फुल स्पीड में गेमिंग करो वेल <laughs> well, एक बात यहाँ पर नोट जरूर करना ये एक्सटेंडेड रैम उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना एक्चुअल रैम बट देन अगर आप एकदम एक्सटेंसिवली काम कर रहे हो और ज्यादा मेमरी की जरूरत पड़ी गई तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी आपकी हेल्प जरूर कर देगा बिकॉज नेक्स्ट फीचर बहुत ही अमेजिंग है और ये एम के आपको सारे फोन में मिल जाता है एंड दैट इज नथिंग बट द वीडियो टूल बॉक्स बेसिकली इस फीचर को यूज करके आप यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन लॉक होने के बाद भी प्ले कर सकते हो और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वीडियो टूल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके आपको जाना है स्पेशल फीचर्स में एंड यहाँ पर आपको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है बेसिकली इसको ऑन कर दो एंड मैनेज वीडियो एप्स में आपको वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल चाहिए यहाँ पर मैंने यूट्यूब कर दिया है तो यूट्यूब ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा बार मिल जाता है स्वाइप इन करने पर आपको कुछ इस तरह से एक मेन्यू मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट कास्ट कर सकते हो डिस्प्ले का स्टाइल चेंज कर सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट मैं ओरिजिनल प्रेफर करूंगा और यहाँ पर प्ले वीडियो वाइल स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है एक रैंडम वीडियो प्ले करते हैं और यहां पर मैं इसको टैप कर देता हूं तो एज यू कैन सी अभी भी ऑडियो जो है वो प्ले हो रहा है बट स्क्रीन जो है वो लॉक हो चुकी है तो कुछ इस तरह से आप हाई क्वालिटी फेवरेट सॉन्ग सुन सकते यूट्यूब से डायरेक्टली और अपना फोन बस बंद करके कहीं पे रख देना बैकग्राउंड में सॉन्ग अपना काम करते रहना नेक्स्ट फीचर बड़ा ही कमाल का है बेसिकली इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन एक छोटे से विंडो में आप ओपन कर सकते हो और के लिए ये बहुत काम आता है सो फ्लोटिंग विंडो एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी ऐप ओपन कर लेना है ऐप ओपन होने के बाद आपको स्वाइप अप एंड होल्ड करके ये वाले आइकॉन पर ड्रॉप कर दो आपको कुछ इस तरह से एक मिनी ऐप देखने को मिल जाएगा इस पर टैप करोगे तो ऐप बड़ा हो जाता है बेसिकली कम्प्लीट ऐप है जो छोटे विंडो में ओपन रहेगा आप यहाँ पर टाइप करना है तो डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो और अगर आपको वापस बड़ा करना है तो नीचे बस खींच लो एंड बड़ा हो जाएगा फ्लोटिंग विंडो ओपन करने का एक और एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेंटर से ड्रॉप डाउन करके आपको यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है टाइप करते ही आपका फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगा तो बस ऐसी वीडियो देखते देते किसी से चैट करना है तो बस वॉट से फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर लेना और बैकग्राउंड में मूवी चल रही है सामने आप बात कर रहे हो और फ्लोटिंग विंडो जैसे फ्लोटिंग सब्सक्राइब बटन तो नहीं है पर वीडियो को नीचे स्क्रोल करके आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे वे नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं

और अपने अब अप तक फॉलो नहीं किया है तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और पांच मिनट के बाद वो वा एप्लीकेशन वापस से लॉक हो जाएगा तो ये सारे थे मी इलेवन हाइपोचार्ज के मोस्ट इंपोर्टेंट सेवन फीचर जो मेरे हिसाब से काफी सही है और आपको जरूर पता होने चाहिए ताकि आप अपना फोन एकदम एफिशियंटली यूज कर पाओ बाकी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो का टारगेट रखते हैं टेन थाउजेंड व्यूज तो मुझे नहीं पता जरूर कंप्लीट कर देना और अगर आप मी इलेवन हाइपो का फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप पर वीडियो मिल जाएगी मैंने वन प्लस नोट टू के साथ भी कंपेरिजन किया तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा या फिर यूट्यूब आपको नीचे कोई वीडियो रिकमेंड कर देगा एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साइनिंग ऑफ योर बंद कर दो वीडियो रिकॉर्डिंग